हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड ये वर्कशीट करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम वन है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम होता है अगर जो पेयर है अपोजिट साइड का ये इक्वल और पैरेलल हो। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ए बी सी डी है क्या है, ये एक डायगनल है। तो थ्योरम टू क्या कहती है, थ्योरम टू कहती है जो डायगनल से एक पैरेललोग्राम के ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो डायगनल जो ए सी और बी डी है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाते हैं और ओ बी और ओ डी इक्वल हो जाते हैं। तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। इसका जो कन्वर्स उल्टा है वो भी सच है कि अगर जो डायगनल से क्वाड्रिलेटरल के वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, देन ये पैरेललोग्राम है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक फिगर ए बी सी डी है जिसमें एक पैरेललोग्राम है जिसमें पी और क्यू मिड पॉइंट है, एक अपोजिट साइड ए बी और सी डी की। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट कर रही है डी पी को एस पे और बी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है सी पी को आर पे, तो शो करें ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम है, डी पी बी क्यू पैरेललोग्राम है, पी एस क्यू आर पैरेललोग्राम है। तो पहले ए पी सी क्यू को देखते हैं। तो ए पी सी क्यू ये वाला, तो इसको पहले बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पी किसके पैरेलल है, ये क्यू सी के पैरेलल है। तो इससे क्या होगा, ए पी आधा हो जाएगा ए बी का और सी क्यू आधा हो जाएगा सी डी का। तो हम आगे करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिमिलरली जो क्वाड्रिलेटरल डी पी बी क्यू है, डी पी बी क्यू ये वाला, ये भी इसी तरह से इक्वल हो जाएगा हमारा, है ना। अब थर्ड देखते हैं, पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर, तो ये वाला जो मिडल का है बिल्कुल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस क्यू पैरेलल है पी आर के। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसी तरह से है, आपको शो करना है जो डायगनल से पैरेललोग्राम के इक्वल है और इनसे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो आप इस तरह से शो करेंगे, आपको शो करना है एंगल्स को 90। अगर आप ये शो कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। इसी तरह से सेकंड में भी आप देख सकते हैं, ये पूरा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आप इस तरह से ही पूरा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से आप लोगों का होगा जिसमें सिक्स पार्ट्स हैं, आप इसे प्रूव करेंगे तीन चारों पार्ट्स को। तो इस तरह से आपके ये पार्ट्स होंगे सारे। यहाँ पे आप लोगों की वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।